की जेपी इंफ्रा सोसाइटी में हंगामा, दो बकरे लेकर पहुंचा नागरिक मोहसिन खान। मुंबई की जेपी इंफ्रा सोसाइटी की वीडियो आई सामने, लिफ्ट में बकरा ले जाती दिखी मोहसिन की पत्नी। सोसाइटी रेजिडेंट्स ने बकरे ले जाने का किया विरोध, नियमों का दिया हवाला, पुलिस के समझाने पर भी नहीं माना मोहसिन। जेपी इंफ्रा सोसाइटी मामले पर पुलिस का बयान, कहा सोसाइटी में नहीं होने देंगे स्लॉटरिंग, ये कोर्ट के नियमों के खिलाफ। मीरा रोड इंफ्रा सोसाइटी विवाद में केस दर्ज, मोहसिन खान की पत्नी की शिकायत पर 11 लोगों पर FIR। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए ट्रक ले जाया गया भैंसा, भीड़ देखकर भड़का, ट्रक से कूदकर मचाया उत्पात। भैंसे की चपेट में आकर कई लोग घायल, कई किलोमीटर दूर पकड़ा जा सका भैंसा, थाना गल शहीद इलाके की घटना। बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश, तय स्थान पर होगी कुर्बानी, सड़क आवागमन बाधित कर ना हो धार्मिक गतिविधि। कांवड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम योगी, यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद और बिक्री ना हो, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के हों अच्छे प्रबंध। 4 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, गंगाजल भरने के लिए गंगोत्री और गोमुख पहुंचने लगे हैं कांवड़िए। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा, वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यूपी में बकरीद से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों की बढ़ी सुरक्षा, PSC की 12 कंपनियां तैनात। मौलाना खालिद रशीद ने बकरीद में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की, बोले ईदगाह के अंदर पढ़े नमाज, 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईद उल अजहा की धूम, लोगों ने मस्जिद में जाकर अदा की नमाज। बद्रीनाथ धाम में इस बार नहीं होगी ईद की नमाज, पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौता। बकरीद के पहले नागपुर पुलिस का गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर छापा मारकर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया, 86 पशुओं को छुड़ाया। राजस्थान के उदयपुर में किसान महोत्सव का आयोजन, किसान महोत्सव में लोग चूरू का राजा नाम से मशहूर भैंस को देखने पहुंच रहे हैं। दिल्ली में फिर घटी लूट की वारदात, लाहौरी गेट इलाके के तेलिया मार्केट में कई दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के कश्मीरी गेट लूट कांड का सीसीटीवी वीडियो मिला, भागते समय कैमरे में कैद हुआ एक आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी लूटी, व्यापारी की स्कूटी में 3 लाख रुपए रखा था कैश। दिल्ली में प्रगति मैदान में लूट में पुलिस का बड़ा खुलासा, 2 लाख लूट की थी शिकायत, आरोपियों के पास से अब तक 5 लाख रुपए बरामद। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस, 50 लाख रुपए की लूट होने की आशंका, पीड़ित मालिक से पूछताछ करेगी पुलिस। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय सरकार के एडवोकेट जनरल के घर में एक नौकर की हत्या, दूसरे नौकर को चाकू मारकर किया गया घायल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, घायल नौकर का एक निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली के मायापुरी इलाके में 2 पुलिसकर्मियों पर अटैक, गश्त के दौरान सर्जिकल ब्लेड से हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरा, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर लगा लंबा जाम। लगातार बारिश के कारण नवी मुंबई के NRI कॉम्प्लेक्स की दीवार गिरी, दीवार गिरने से 3 गाड़ियों का हुआ नुकसान। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा कई फीट पानी, दाना बाजार हनुमान मंदिर इलाके में जलभराव। सूरत में भी भारी बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। कोलकाता में भी तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। असम में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का कहर। बजाली जिले में तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर लोग, पानी में डूबे 48 गांव। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ से हालात खराब, 93 गांव में घुसा पानी, करीब 67,000 लोग प्रभावित। बक्सर में गंगा नदी पर बने पुल में आई दरारें, 3 जगह क्रैक आने से दहशत, बिहार को यूपी से जोड़ता है ये पुल। बिहार के पूर्णिया में खेत में गिरा बिजली का तार, खेत में काम कर रही एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत। बिहार के वैशाली में गंगा नदी पर बना अस्थायी पुल बहा, तेज हवाओं से एक हिस्सा बहा, राघोपुर को वैशाली से जोड़ता था ये पुल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के कुंज नाले में 2 लोग बहे, SDRF की टीम ने दीवान चंद नाम के शख्स का शव बरामद किया, दूसरे शख्स की तलाश चल। बारिश से टमाटर की कीमतों में लगी आग, पटना में 100 रुपए किलो तक पहुंचा रेट। कानपुर में टमाटर के रेट में भारी उछाल, 100 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। टमाटर की कीमतों से राहत देगी तमिलनाडु सरकार, FO से बेचेगी 68 रुपए किलो टमाटर, मंत्री ने दी जानकारी। अरहर दाल की कीमतों में भारी उछाल, कीमतों पर लगाम के लिए बफर स्टॉक से अरहर की दाल देगी सरकार। UCC पर PM के बयान पर बोले अरशद मदनी, कहा PM ये दिखा रहे हैं कि हमने मुसलमानों को परेशान किया, इसीलिए हमें वोट दो।
इसी पर पीएम के बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा वे संसद में क्यों नहीं ला रहे बिल, कौन रोक रहा। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा देश सबके लिए समान कानून की मांग लंबे समय से थी, उत्तराखंड से हो चुकी है शुरुआत। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत, कहा पीएम मोदी ने सबके मन की बात की है। यूसीसी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कहा कितने लोग यूसीसी समझते हैं, आज महंगाई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी आम जनता के मुद्दे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा देश जल्द ही बनेंगे दुनिया की तीसरी महाशक्ति। लखनऊ के लोकभवन में सीएम योगी ने की कैबिनेट की बैठक, कई एजेंडों पर लगी कैबिनेट की मोहर। यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि यूनिवर्सिटी बनेगी, सिराथू में बनेगा इंडो इसराइल फूड सेंटर। दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक, विधानसभा चुनावों पर चर्चा। यूएसए प्रेडेटर ड्रोन खरीद पर कांग्रेस के सवाल, कहा 25,000 करोड़ में 31 ड्रोन का सौदा, दूसरे देश 4 गुना कम कीमत पर खरीद रहे हैं ड्रोन। पटना राजभवन में गवर्नर से मिले सीएम नीतीश, विधानसभा के मॉनसून सत्र पर की चर्चा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केरल के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कालीकट हवाई अड्डे और रनवे सुरक्षा को लेकर किया जिक्र। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ केस, बेंगलुरु में कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई एफआईआर, राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट का आरोप। अमित मालवीय पर एफआईआर को लेकर तेजस्वी सूर्या का ट्वीट, लिखा राजनीति से प्रेरित है एफआईआर। अमित मालवीय केस पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, कहा कानून राय लेने के बाद दर्ज किया जाएगा केस। कर्नाटक बीजेपी चीफ कटील का बयान, कहा विधानसभा हार के बाद पूरे राज्य का किया दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं कार्यकर्ता। नलिन कुमार कटील का बयान, कहा विवादित बयान देने वाले नेताओं को दिए नोटिस, अनुशासन बनाए रखने को कहा। कर्नाटक में केआरपुरा के तहसीलदार अजीत राय के घर पर रेड, लोकायुक्त एसपी की टीम की छापेमारी, बड़ी मात्रा में कैश बरामद। कोडागु, विजयनगर, चिकबल्लापुर, तुमकुरु में भी छापे, चिकमंगलूर, बेलगावी समेत और कई जिलों में छापे मारे। प्रवीण नेतारू हत्याकांड में एनआईए का एक्शन, कर्नाटक के 2 जिलों में 3 फरार लोगों के घरों की तलाशी ली। पिछले साल पीएफआई के सदस्यों ने की थी बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या, हत्या के 3 आरोपी अभी भी फरार, 7 की हो चुकी है गिरफ्तारी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज, महबूबा ने सेना के खिलाफ किया था ट्वीट। टीएमसी यूथ अध्यक्ष और बंगाली एक्ट्रेस सयानी घोष को ईडी का समन, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में 30 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सिलीगुड़ी में गवर्नर सीवी आनंद बोस ने की कुलपतियों की बैठक, तृणमूल छात्र परिषद ने राज्यपाल को दिखाए काले झंडे। टीएमसी के छात्र विंग के प्रदर्शन पर राज्यपाल बोस का बयान, कहा प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा, प्रदर्शन का हम स्वागत करते हैं। कूचबिहार के दिनहाटा में 24 घंटे के अंदर फिर चली गोलियां, टीएमसी प्रत्याशी बिजली खातून के भाई शाहिनूर हक गोली लगने से घायल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिहाड़ जेल का मॉडल, बीजेपी ने लगाया मॉडल, जेल में बंद आप नेताओं पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा, टोल नाका पर जमकर की तोड़फोड़, लोकल गाड़ियों से भी टैक्स लेने का लगाया आरोप। शिंदे कैबिनेट में एफडीआई को लेकर बड़े फैसले, 40,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी, 1,20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। वीर सावरकर के नाम पर बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हुआ अटल सेतु, शिंदे कैबिनेट का फैसला। बालटाल चंदनवारी में डीआरडीओ का 100 बेड वाला अस्पताल, एलजी ने किया वर्चुअली उद्घाटन, अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज की 7 छात्राओं की मांग, ऑपरेशन थिएटर में लंबी आस्तीन वाले स्क्रब जैकेट और सर्जिकल हुड की अनुमति की मांग की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 150 में आईआईटी बॉम्बे, दुनिया के 2900 संस्थानों को दी गई रेटिंग, 45 इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल। क्यूएस के फाउंडर नुंजियो क्वाक्वेली ने जताई खुशी, कहा पिछले 9 साल में इंडियन यूनिवर्सिटी में 297% सुधार। क्यूएस रैंकिंग में भारत की 45 यूनिवर्सिटी शामिल होने पर बोले मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कहा पिछले 9 साल में हुआ सुधार। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बयान, कहा टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा अगला युद्ध, अगले कुछ साल में पूरी करनी होगी ट्रेनिंग। सुपरटेक के मालिक और प्रमोटर आरके अरोड़ा को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, ईडी ने कल गिरफ्तार किया था। सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली हरियाणा यूपी में धोखाधड़ी के कई केस दर्ज थे, उसी की जांच में ईडी को भारी अनियमितता और फंड के दुरुपयोग के मिले थे सबूत। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 सगे भाइयों के साथ बेरहमी, सड़क पर घसीटकर लाठियों से पीटा, फिर खूंटे से बांधा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
कर्नाटक के केजीएफ के एक गांव में पिता ने अपनी बेटी को मारा, दलित युवक से प्रेम प्रसंग पर की हत्या, खबर पर प्रेमी ने भी सुसाइड किया। कर्नाटक में महिलाओं के फ्री बस सेवा में आफत, बसों में महिलाओं की भारी भीड़ से सीट के लिए मारपीट की घटनाएं, अब तक 9 करोड़ महिलाओं ने किया लाभ। तमिलनाडु में नटराज मंदिर के 10 पुजारियों पर केस दर्ज, एचआर एंड सीई विभाग के कामों को रोकने का आरोप, मंत्री पीके शेखर बाबू ने दी जानकारी। एमपी के दतिया में नदी में गिरा मिनी ट्रक, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर जताया दुख, कहा मौके पर पहुंचा प्रशासन, पीड़ितों की जा रही है मदद। शिमला में रामपुर के पास कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, एक घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुणे में सिरफिरे युवक ने लड़की पर दिन दहाड़े किया अटैक, 2 लड़कों ने बचाई जान, पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा के मलिकपुर गांव में एक महिला की हत्या, पारिवारिक विवाद में ससुर ने अपनी बहू को उतारा मौत के घाट, आरोपी अरेस्ट। राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने की सुसाइड, पंखे से लटक कर दी जान, पुलिस ने परिवार वालों को दी सूचना। मुंबई के मुलुंड में हिट एंड रन केस, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया अरेस्ट। असम के कामरूप के सोनापुर इलाके में दिचवांग रिजॉर्ट में आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। जयपुर अजमेर हाईवे पर 3 ट्रकों की आपस में टक्कर, आग से ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जले, एक ट्रक में लदे जानवर भी जिंदा जले। पटना में गुरु गोविंद सिंह लिंक सड़क ध्वस्त, हादसा होने की बड़ी आशंका, 1 साल पहले ही बनी थी ये सड़क। रायपुर के राखी थाना इलाके में 2 लोग गिरफ्तार, फर्जी ईडी अधिकारी बताकर आबकारी अधिकारी से पैसे मांगे थे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी अश्विनी भाटिया, निशांत इंगड़े को पकड़ा, दोनों ने 4 अधिकारियों से की थी वसूली। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की मॉक ड्रिल, सुरक्षा के साथ भेजा गया यात्रियों के जत्था, रखी गई नजर। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, माता की पूजा की, लिया आशीर्वाद। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा, गुंडीचा मंदिर से अपने मंदिर को वापसी यात्रा, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अमेरिका के बाद दुनिया में 2 नंबर पर इंडिया का रोड नेटवर्क, 9 साल में रोड नेटवर्क 59% बढ़ा, नितिन गडकरी ने बताया बड़ी उपलब्धि। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, साल के अंत तक सर्विस लॉन्च कर सकती है कंपनी। स्विस बैंकिंग समूह क्रेडिट स्विस में बड़े पैमाने पर होगी छंटनी, करीब 35,000 लोगों की जाएगी नौकरी, गूगल वेज में भी भारी छंटनी। अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी गुजरात सरकार, 20,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। 19 साल बाद टाटा समूह की कंपनी का आएगा आईपीओ, 2004 में टीसीएस का आया था आईपीओ। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, 5 अक्टूबर को क्रिकेट के महाकुंभ का होगा आगाज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। 8 अक्टूबर को होगी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुंबई में 15 नवंबर को खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में 16 नवंबर को होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को होगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा ये मुकाबला। 10 शहरों में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले, 46 दिन में 48 मैच खेले जाएंगे। वनडे वर्ल्ड कप में 10 टीमें भाग लेंगी, 8 टीमें कर चुकी हैं क्वालिफाई, 2 के लिए मुकाबले जारी। वर्ल्ड कप शेड्यूल में नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए है रिजर्व डे। वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होने पर बोले रोहित शर्मा, ये वर्ल्ड कप काफी रोमांचक होगा। वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम के भारत आने पर सस्पेंस बरकरार, पीसीबी ने कहा फैसला सरकार के हाथ में। पीसीबी के बयान पर आईसीसी का जवाब, कहा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का एग्रीमेंट किया है साइन। क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट की रील शेयर की, वीडियो में जमकर पसीना बहाते दिखे धवन। गदर 2 के रिलीज से पहले मुंबई के माहिम दरगाह पहुंची अमीषा पटेल, सिर पर दुपट्टा लिए ब्लैक सूट में नजर आए। सेंसर बोर्ड से फिल्म 72 हूरें पास हुई पर ट्रेलर हुआ रिजेक्ट, केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होगा रिलीज। सामने आया करण दृशा के वेडिंग फंक्शन का इनसाइट वीडियो, करण देओल ने घुटनों पर बैठकर दृशा को किया प्रपोज। सोनम कपूर को मिला ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का न्योता, यूके भारत सप्ताह 2023 के जश्न में इनवाइट। बिग बॉस ओटीटी 2 में खत्म हुआ आलिया सिद्दीकी का सफर, हफ्ते के बीच में ही हुई घर से बाहर। करिश्मा कपूर ने पेरिस में मनाया अपना 49वां बर्थडे, आईफिल टावर के सामने दिए जमकर पोज। अभिनेत्री सारा अली खान इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंची, पूजा कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में आशा वर्कर्स में जमकर हुई मारपीट, मरीजों की छीना झपटी को लेकर हुआ था विवाद।